यहाँ पे एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पे कितना कट करता है, इसमें जीएसटी भी आ जाता है, वैट भी आ जाता है, ईच एंड एवरीथिंग में ला के नया पे हमारे अकाउंट से कितना डिटेक्ट करता है। तो यही चीज आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा एक ट्रांजेक्शन करके, तब आपको आइडिया होगा कि कितना ट्रांजेक्शन में एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में कट करता है। तो विदाउट एनी फर्दर डू चलते हैं अपनी ट्रांजेक्शन की तरफ। जैसा से आपके सामने यहाँ पे एक लैपटॉप है और वो मोबाइल पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लैपटॉप में जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ रही है वो भी आपको दिख रही है, और यहाँ पर जो दिख रहा है मेरे पास मोबाइल भी दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों में आपको मैं साथ साथ विजुअल जो है वो दिखाता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो मैंने अभी जो यहाँ पे अपनी जो ड्राइव है गूगल ड्राइव वो यहाँ पे अपग्रेड करनी है। तो गूगल ड्राइव को जो है वो बेसिक्स प्लान में अपग्रेड करने वाला हूँ। तो और दूसरे ये कि मुझे चाहिए भी नहीं, जस्ट मैं आपको बताने के लिए चीज़ अपग्रेड कर रहा हूँ ताकि आइडिया हो जाए कि कितनी ट्रांजेक्शन गूगल जो है वो काटता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मोबाइल में मैंने 500 रुपीज़ जो है ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर पिन करके रखे हुए हैं, इसलिए रखे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ भाई कितना ट्रांजेक्शन में करता है। यहाँ पर भी लाइव ताकि दोनों स्क्रीन आपको नजर आती रहें। तो यहाँ पे अब मैं मंथली प्लान जो है वो सिलेक्ट करने लगा हूँ, क्योंकि इतना बड़े हैवी प्लान चाहिए नहीं। तो 209 रुपीज़ का जो है मंथली प्लान है, और एनुअली देखें तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि 2000 के आसपास ही पड़ जाता है। तो एनुअली प्लान को नहीं चूज़ करेंगे, जस्ट मंथली प्लान जो है हम यहाँ पर अपना इनेबल करेंगे, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड यहाँ पर आ रहा है, तो हम सिंपल इज एड इसको इनेबल कर लेंगे। तो गूगल की टर्म्स एंड सर्विसेज जो भी आ रहे हैं यहाँ पर इनेबल कर लेंगे, और साथ में हम अपने मोबाइल को भी देखेंगे कि यहाँ पर हमारे कार्ड की डिटेल्स भी हमने पुट आउट करनी है। एक वर्चुअल कार्ड है और फिजिकल कार्ड है, दोनों ही मेरे पास अभी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मैं रिवील कर देता हूँ अपने कार्ड को, लेकिन आपको शो नहीं होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर देखें तो 209 पर मंथ यहाँ पर हमारे पास आ रहा है विद नो टैक्स। अच्छा, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। और यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी ये कार्ड पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं दूसरा कार्ड अपना लगाना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें कैंसिल एनी टाइम एंड यू आर चार्ज्ड 209 रुपीज़ ऑटोमेटिकली एवरी मंथ, ठीक है, नो इशू। और मतलब टैक्स वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 500 रुपीज़ में देखते हैं कितना कट होता है, और मैं यहाँ पे अपनी जो कार्ड की डिटेल्स है वो फिल आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी कार्ड की डिटेल जो है वो फिल आउट कर दी है। तो यहाँ से सब्सक्राइब्ड हमारा जो है वो गूगल वन का हो चुका है। अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं इस चीज़ पर, क्या हमारा ट्रांजैक्शन और ये सारी चीज़ें गूगल ने कितनी काटी हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास जस्ट 176.45 रुपीज़ बचे हैं 500 रुपीज़ में से, ठीक है। वहाँ पर हमारी ट्रांजैक्शन और ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो अब हम लोग सिंपल इज दैट यहाँ पर आ जाते हैं अपने अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में अगर हम देखें यहाँ पे हमें नया पे की तरफ से पेड बाय नया पे और RS 323.55 सेंट हमें यहाँ पर हमने पे किए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं 209 रुपये के दर, और उसके ऊपर कितना टैक्स लगा है। GST की बात करें तो यहाँ पर GST को अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पे बहुत से टैक्स लगे हुए, लाइक विद होल्डिंग टैक्स जो है 20.90 रुपीज़ लगा हुआ है, इंटरनेशनल फी ट्रांजेक्शन है 69, मतलब ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ लगा हुआ है, इंटरनेशनल फीसेस, पता नहीं ये इंटरनेशनल SST ऑन इंटरनेशनल, ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पे इन्होंने डाली हुई हैं, 10 रुपये जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फी, और FX सेटलमेंट कॉस्ट जो है वो 13 रुपये आती है, जिसकी लास्ट अमाउंट हमारे पास बनती है 323 रुपीज़। और टैक्स की बात करें यार बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 209 रुपये पे 114 रुपये का 115 रुपये का जो है वो टैक्स लगा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब नेक्स्ट में हम जो है वो नया पे और जिंदगी का जो है वो भी ट्राई करेंगे कि उन पे कितनी ट्रांजैक्शन का जो है वो कट आउट होता है। खैर बहुत ज़्यादा कट आउट इन्होंने किया हुआ है, इतना होना नहीं चाहिए था, बट क्या कह सकते हैं भाई, हमारी गवर्नमेंट है तो मजबूरियां हमारी हैं, तो फ़ायदा सब उड़ा रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और ईच एंड एवरी थिंग इज़ क्लियर। अगर कुछ रह गया हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, आई एम हेयर टू सर्व यू। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।